फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं एक प्यारी कहानी, कम्बू ग्रीव कछुआ। ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। किसी तालाब में कम्बू ग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। उसके दो हंस मित्र थे, संकट और विकट। वह रोज तालाब के किनारे मिलते और बीते दिनों की बातें करते। वह सूरज डूबने के बाद ही अपने घर जाया करते थे। उस साल बारिश नहीं आई और धीरे धीरे तालाब सूखने लगा। सभी जानवर परेशान होने लगे। यह देखकर हंस घबरा गए और उन्होंने कम्बू ग्रीव को बुलाकर कहा, मित्र देखो यहाँ पानी सूखता जा रहा है। कुछ ही दिनों में यहाँ इतना पानी नहीं बचेगा कि हम सब जीवित रह सकें। हमने सुना है कि पहाड़ी की दूसरी तरफ एक तालाब है। हमने वहाँ जाने का निर्णय लिया है। तुम यहाँ कैसे रहोगे? तुम अगर चाहो तो हमारे साथ वहाँ चलो। कम्बू ग्रीव ने कहा, मित्रों धन्यवाद, तुम मेरा ध्यान रखते हो। मैं भी यहाँ अपने भविष्य की चिंता में हूँ, पर मैं यहाँ से दूसरी तरफ कैसे जाऊँगा? क्या तुम मेरी सहायता के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकते हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम बताओ हम कैसे तुम्हारी सहायता करेंगे? कछुए ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। एक छड़ी ले आओ, मैं उसे बीच में अपने मुंह में कसकर पकड़ लूंगा, फिर तुम उसके किनारे पकड़कर मुझे सुरक्षित दूसरे तालाब पर ले जा देना। कछुए के उपाय से खुश होकर हंस बोले, यह बहुत अच्छा उपाय है, हम तुम्हें सुरक्षित दूसरे तालाब तक पहुंचा देंगे, लेकिन तुम रास्ते में अपना मुंह बंद रखना ताकि तुम गिर न जाओ। कम्बू ग्रीव उसकी बात से सहमत हो गया। जल्दी ही वे एक छड़ी ढूंढ कर ले आए। कम्बू ग्रीव ने अपने मुंह में छड़ी पकड़ ली। दोनों हंसों ने छड़ी को दोनों सिरों से पकड़ लिया और उठाया और उड़ चले। हंस तालाब, पहाड़ों और गांव के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही लोगों ने उन्हें इस प्रकार उड़ते देखा, वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वे चिल्लाने लगे, वो देखो कैसे पक्षी कछुए को ले जा रहे हैं। यह सुनते ही कम्बू ग्रीव उत्तेजित हो गया और उसने उन्हें उत्तर देना चाहा। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वह धड़ाम से धरती पर गिर गया और मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो अपने हितेशियों का परामर्श नहीं मानता उनका अंत हमेशा होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।